जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर वन ग्रामों तक सरलता से पहुंचने और गांवों को नगर शहर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत लालबर्रा तहसील के अंतर्गत अनेकों पक्की सड़कों का निर्माण किया गया था। सत्तापक्ष और विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार अपने मुंह से ही तारीफ कर विकास करने का राग अलापते नहीं थकते थे कि हमारी सरकार हमारे द्वारा इतने विकास करवाए गए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास की इतनी चिंता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, तो वह ऐसी बर्बाद सड़क पुल पुलिया के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की फिक्र क्यों नहीं करते। ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मुरली खाम से 15 पानी पहुंच मार्ग को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है कार्य कितना गुणवत्ता पूर्वक किया गया है, क्योंकि इस मार्ग की सड़क ही नहीं लेकिन पुलिया भी पहली बरसात में बह गई है, जिससे आसपास के ग्रामीणों को आवाजाही में परेशान होना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 दिन पूर्व 5 जुलाई को ही बारिश के तुरंत बाद पुलिया का बोरी बंधान कर मरम्मत कार्य शासकीय संबंधित अधिकारी विभाग के द्वारा वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया था, लेकिन लीपापोती के चलते 2 घंटे बाद ही पुलिया बह गई और संबंधित विभाग व ठेकेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब लोग परेशान हो रहे हैं। पंडरा पानी गणेश टोला मुरली खाम के ग्रामीणों को साइकिल मोटरसाइकिल से आवाजाही में परेशानी हो रही है, क्योंकि बघोली रानी कुठार होते हुए ज्यादा दूरी तय करते हुए मुख्यालय अपने घर पहुंचते हैं। उक्त सड़क से आवाजाही करने वाले 5 से 10 गांव के ग्रामीणों की मांग है कि पुलिया और सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य जल्द करवाया जाए और फिलहाल आवाजाही करने लायक बना दिया जाए। बहुत परेशानी होती है, एक ही रोड है, यहाँ से सभी लोग आना जाना, बच्चे लोग जाना जा नहीं पाते। कौन सा गांव है इधर पीछे में? जी पंडरा पानी गनखेड़ा, इधर बाकी 2-3 गांव है। अच्छा, तो स्कूल आने जाने में भी परेशानी, बहुत तकलीफ जा रही है। किन लोगों को परेशानी होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खेत जाने वाले, पहरा लगाने वाले और स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, वो आना जाना नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। कब से टूटा है ये पुल? कम से कम भी हो गए 15 दिन। अच्छा, अभी तक नहीं बना है? नहीं। अब ये जैसे लोग रिस्क ले रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, नाला पार कर रहे हैं गहरे पानी में, तो फिर उन लोग के साथ तो जान जोखिम में भी? जी जी, कई लोग बह चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, हादसा होते होते टला है? जी। क्या चाहते हैं आप लोग? पुलिया जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम लोग। मेरा नाम ज्योति विल्हारे है, मैं ग्राम नगपुरा में रहती हूँ। क्या हादसा हो गया था आपके साथ ये पुलिया के बहने से? हम पहरा लगा के आ रहे थे तो पार हो रहे थे नाला से, तो हमारा यानी कि हम बहने लगे थे। अच्छा, फिर कैसे, कौन ने आप लोग को बचाया? यानी कि 2 जेंट्स आए थे, उनने बचाया। हाँ, वो लोग भी बहने लगे थे। पर तो ये कितनी परेशानी होती है आप लोग को यहाँ से? बहुत होती है, किसी की जान भी जा सकती है यहाँ पे। अच्छा, आवागमन के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, यहीं से आना जाना पड़ता है। हाँ। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम अभी पहरा लगाने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत दिक्कत है ये? हाँ, 1 सप्ताह हो गया है। कोई सुधार कार्य इसमें हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तो। कोई अधिकारी आए थे देखने के लिए? मालूम नहीं, आए होंगे शायद। क्या नाम है आपको? मेरे नाम ज्योति लीलारे हैं, नगपुरा। ये पुलिया टूटा है, कब से टूटा है? ये पुलिया अभी पूरा आया था, उसमें टूटा है। कितने दिन हो गया? कम से कम 6-7 दिन हो गए। अब आप वो जो यहाँ से जान जोखिम में लेके पार कर रहे हैं नाला, कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं पहरा लगाने, अपने जान जोखिम में लेके जांग जांग पानी, कमर कमर पानी लेकर नक रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमको नकते नहीं बनता, तो हम एक घूम कर जा रहे हैं 2 गांव। हमको बहुत बड़ी परेशानी है। गांव के लोग रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पे पूरा समझो, इधर के पूरे लोग इधर ही आते हैं, 4 पूरे गांव के समझो। अच्छा, तो ये पुलिया बना नहीं रहेंगे, सुधार नहीं रहेंगे? तो ये पुलिया पूर्व में टूटा है, तभी बना नहीं रहे हैं। अच्छा, कितनी परेशानी होती है? बहुत भारी परेशानी होती है हमको। आप देख रहे हो कि हम कौन सी परेशानी से नक रहे हैं, 2 पैसे की मजूरी कमाने के लिए। बच्ची बह गई थी भी बता रहे हैं? हाँ, वो उस दिन के पूर्व में जब बच्ची का पूरा हाथ पैर उफल गए थे, बच्ची बह जाती, हम लोग पकड़ते नहीं तो। अच्छा, हादसा हो जाता है यहाँ पर? हादसा हो जाता। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये पुलिया बनना चाहिए, बस।